हमारे देश के जवान देखिए अपने घर से लगे हुए हैं, चल रहे हैं। बहुत जबरदस्त स्कूटर है भाई, तो गाड़ी आराम से उतारना भाई। काठमांडू नेपाल घूमे हुए? नहीं नहीं, कह रहे गाड़ी आराम से उतारना, और कुछ नहीं। काठमांडू नेपाल की बात मत करो। क्यों, क्या हो गया, मजा नहीं आ रहा है? मजा आ रहा है, यही तो एडवेंचर है यार, यही साला आए किस लिए हम लोग, यही देखने आए हैं, दिखाने आए हैं कि देखो। डिस्ट्रिक्ट बलरामपुर से अकेला जो लद्दाख करने आया हूँ भाई। मेरे पास आएगी ये दूर हो जाएगी तो फिर मैं गैप बना के चल जाऊंगा। तो निकल नहीं पा रहा हूँ, अभी पीछे निकाल भाई, पास आएगी तो आप भाई वो जो देख रहे हैं ना, वो सब बर्फ़ है, और उसके नीचे से जो पानी निकल रहा है वो बर्फ़ के नीचे से निकल रहा है पानी, वो पूरा बर्फ़ एकदम जमा हुआ है, पूरा पानी पानी पूरा बर्फ़ जमा हुआ है, देख सकते हैं आप। ये कल रात में यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त स्नोफॉल हुआ था, लोग बता रहे हैं, और मेरा तो यार सर चकरा रहा है भाई, हम क्या करें। ये देख रहे भाई, ये ऊपर पूरा बर्फ़ है और नीचे खाई, ये देखिए, ये भी देख रहे थे तो हम भी देखने लगे, हमने कहा देख ले भाई और दिखा दे सबको। और देखिए ये जाम की वजह से ये जो कैंपिंग दिख रहा है लोगों का, इसी से मतलब फ़ायदा हो रहा है। लेकिन एक बात और कह दें हम कि जो 1 रुपये की चीज़ है वो 10 रुपये
यहाँ देना पड़ता है, यानी 1 रुपये का सामान 10 रुपये में खरीदना पड़ता है। ये देखिए, ये जहाँ भी देखेंगे आप सब कैंपिंग ही नज़र आएगा। आधा किलो सेब ले लें, कुछ खाने वाने तो मिल नहीं रहा है, इसी से काम चला लेंगे अभी फ़िलहाल। ये भाई साहब ने हम लोगों के लिए व्यवस्था कर रखा है रास्ते में, और ऐसी जगह कि यहाँ पे कुछ मिलता नहीं है। यहाँ पे मैंने सेब लिया है खाने के लिए, क्योंकि खाने तो कुछ एनर्जी मिल जाएगी मुझे। नहीं निकलेगी। तो रो मारा है। अरे झील है ये, लगे पीछे हो। वेलकम टू कैफे गुमरी। प्राचीन शिव मंदिर पर बेस्ट आदमी।